अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को आज दूसरे मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो भी जिम्बाब्वे के हाथों। दोस्तों, पहले मैच में इंडिया के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम को अब जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान टीम के अब वर्ल्ड कप से बाहर होने के चांसेस भी बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद पॉइंट टेबल्स पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो दोस्तों, बात का आगाज़ करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज जिम्बाब्वे खिलाफ मैच खेला जिसमें जिम्बाब्वे के हाथों को शिकस्त हुई और वो पॉइंट टेबल्स पर नंबर 5 पर आ गई है दोस्तों, और जिम्बाब्वे टीम नंबर 3 पर आ गई है। दोस्तों, नंबर 1 पे इंडिया की टीम है जो कि 2 मुकाबले खेले, दोनों जीते, 4 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है। रन रेट प्लस 1.43 है। नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका की टीम है, 2 मुकाबले खेले, 1 जीते, 1 हारे, 3 पॉइंट के साथ नंबर 2 पर है। और इनका रन रेट की बात करें तो प्लस 5.20 है, जो कि सबसे अच्छा रन रेट है इनका T20 वर्ल्ड कप में। इस बार तमाम टीमों से बेहतर रन रेट है इनका। नंबर 3 पर जिम्बाब्वे की टीम है, 2 मुकाबले खेले, 1 जीते, 1 बारिश की नज़र हुआ, 3 पॉइंट है। रन रेट प्लस 0.05 है। नंबर 4 पे बांग्लादेश की टीम है, 2 मैचेस खेले, 1 जीते, 1 हारे, 2 पॉइंट के साथ नंबर 4 पर है। और रन रेट -2.38 है। दोस्तों, नंबर 5 है पाकिस्तान की टीम है, 2 मुकाबले खेले, दोनों में शिकस्त हुई, रन रेट -0.05 है और इनके 0 पॉइंट है। नंबर 6 पर नीदरलैंड की टीम है, 2 मुकाबले खेले, दोनों हारे, रन रेट -1.63 और इनके भी 0 पॉइंट है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो अपने आने वाले तीनों मैच जो कि नीदरलैंड, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका से हैं, तीनों मैच जीतने होंगे और इंडिया को, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को शिकस्त देती है, इंडिया टीम साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को शिकस्त देती है तो पाकिस्तान ईजिली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा अगर वो अपने तीनों मुकाबले जीतता है। तो दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।